नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उबर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है रामपुर से। रामपुर में एक व्यक्ति को भूमाफिया घोषित करते हुए 2 करोड़ रुपए की संपत्ति पर चलाया गया बुलडोजर। आरोप है कि मंत्री रहने के दौरान उसने किसानों और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसे अब बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जफर अली। थाना बिलासपुर में ये उज्जवल दीदार और शादी है, ये चिन्हित माफिया है। कुल हमारे 25 माफिया है, जिनमें अब तक 8 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुके हैं, 14 यूनिट जब्ती कर चुके हैं गैंगस्टर में। आज इसका शादी का करीब 5 एकड़ इसने जबरिया कब्जा कर रखा था एक व्यक्ति का, उसको मुक्त कराया गया है। करीब मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ की होगी। ये 5 एकड़ जमीन इस माफिया से मुक्त कराई गई है। ये अभियान चल रहा है, लगातार जारी रहेगा। इस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का प्रयास रामपुर पुलिस कर रही है, जिससे जनसामान्य में एक भयमुक्त वातावरण होने का मैसेज जा सके।